بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ये अल्लाह का वादा है, ये वादा अल्लाह ने किया है और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, अल्लाह कभी अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। वलाकिन अक्सर الناس لا يعلمون, लेकिन अक्सर लोग जानते नहीं हैं। मोहतरम हाजरीन कराम, ये सूरतुर रूम की आयत नंबर 6 है और ये आयत हम पिछली दफ़ा पढ़ चुके हैं और सिलसिला कलाम बरकरार रखने के लिए इसको दोबारा पढ़ा गया है और अल्लाह सुबहान व तआला ने इस आयत से पहले एक ही बल्कि कहना चाहिए कि दो वादे फरमाए थे और वो दोनों वादे ऐसे थे कि जो ज़ाहरी आँख से देखने वालों को नामुमकिन मालूम हो रहे थे और जिन हालात में ये आयतें नाजिल हुईं तो नाउज़ु बिल्लाह लोगों का ये कहना था, कुफ्फार का ये कहना था कि ये देखो एक और ऐसी बात कह दी है कि जो कभी हो ही नहीं सकती। तो वो नाउज़ु बिल्लाह, वो तो कहते थे हम पहले कहते हैं ये जो है दीवाना है, मजनून है, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो वही मजनूनों वाली बात कह दी है कि ये भी होगा और ये भी होगा, ये दोनों ही बातें नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह पाक हमें ये बता रहा है कि जब एक चीज़ का वादा अल्लाह ने फरमा दिया है तो उसके ख़िलाफ़ नहीं हो सकता, चाहे ज़ाहरी असबाब जो मर्जी, असबाब का मालिक और असबाब का खालिक कौन है? अल्लाह है, जब चाहता है असबाब को बदल डालता है, अल्लाह के लिए कोई बात नहीं। तो असल चीज़ असबाब नहीं है। मैंने ये बात शायद पिछले दो भी अर्ज़ की थी कि बाज़ तफ़सीर में ये शेर उन्होंने नकल किया है कि कुरान करीम का ख़ुलासा यह है कि अल्लाह से उम्मीद लगाओ, असबाब से उम्मीद न लगाओ। ठीक है, पूरा कुरान इसी तालीम से भरा हुआ है। असबाब की फिक्र करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन भरोसा असबाब पे नहीं होना चाहिए, पहली बात। और ये भी हमने शायद बात कही थी कि बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर पूरी दुनिया में एक मोमिन रह जाए और देखे कि पूरी दुनिया काफिर है, फिर भी इस बात से उसे मायूस नहीं होना चाहिए कि अल्लाह का दीन दुनिया में गालिब आकर रहेगा, और इसके लिए उसे चाहिए कोशिश करे और क्या पता कि अल्लाह उसी में उसको कामयाबी भी देते। और ऐसे पहले भी हुआ है, तारीख में ऐसे ही हुआ है कि पूरी दुनिया में एक मोमिन था और अल्लाह सुबहाना तआला ने पूरी दुनिया में दीन को गालिब करके दिखा दिया। और इसके अलावा भी हमने इसकी कई मिसालें पिछली दफ़ा पढ़ी थी, ये सारा मौजू इससे पहले डिस्कस हो चुका है। सिर्फ जो बात अहम यह है कि अक्सर लोग ना सिर्फ अल्लाह के वादों से गाफिल हैं बल्कि बिलअमूम अल्लाह से ही गाफिल हैं। अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है, है ना, दुनिया में इस वक्त अक्सरियत ऐसी है जो अल्लाह को मानती नहीं है। कुफ्फार जो है वो अल्लाह को मानते ही नहीं है, उनमें फिर जैसे चीन है वो ओपनली मुलहिद है, सारे दहरी हैं। फिर जो अदियान को मानते भी हैं, यहूदियत को और ईसाइयत को, उनमें भी अब अक्सरियत ऐसी है कि जो हकीकतन कहते हैं मैं हम किसी दीन को नहीं मानते, मुलहिद हैं, ठीक है, एथियस्ट हैं या नॉन बिलीव, वो कहते हैं हम नॉन प्रैक्टिसिंग हैं या नॉन बिलीविंग हैं, ठीक है, ये उन्होंने तरह तरह के अकसाम याद कर ली। इसी तरह दूसरे भी अदियान सारे, तो अक्सरियत तो अल्लाह को नहीं मानती, पहली बात। फिर जो मुसलमान हैं और अल्लाह को मानने के दावेदार हैं, उनमें से भी अजीम अक्सरियत, अगर कहा जाए 90% से भी ज़्यादा तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह सुबहान व तआला से गाफिल है। मुसलमानों की अजीम अक्सरियत, 90 कह के मैंने बहुत रहमदिली का मुजाहरा किया, शायद 99 भी कहें तो गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि कहाँ हमारे घरों में, आम घरों में अगर आप निकल जाएँ तो कुरान पाक पढ़ने का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने समझने का हमारे माशरे में अहतमाम कहाँ है।
हम 80% 70% तो देहाते हैं, देहात में तो ये चीजें, देहात में तो जो नमाज पढ़ता है उसको कहते हैं साईं है, इसको कुछ हो गया है, ठीक है, देहातों में तो ये माहौल है। वहां तो हर जुमेरात को आपने वो पैसे देने होते हैं जाके पीर साहब को, और आपका आखिरत बन चुकी, खत्म हो गई बात। ये तो हमारे आम पंजाब के देहातों में ही माहौल है, क्योंकि सुबह सरहद में फर्क है, सही बात है। बलोचिस्तान में तो इससे भी ज्यादा है, बलोचिस्तान में ये माहौल है मोस्टली। और सिंध में तो हिंदुओं के असर से और तरह तरह की चीजें आई थी, तो हमारे वतन अजीज में आम और मुसलमानों में आम। मिस्र में एक आलिम ने एक वीडियो है, एक मिस्र में एक और स्टडीज है, स्टडीज के लोगों ने जाके पूछा कि हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बता दो, तो कितने ही लोग नाम से नावाकिफ थे ना। हमने पढ़ा था कि मुल्तान में एक आलिम दीन ने 20 लड़कों से पूछा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा नाम क्या था, तो 19 को नहीं पता, 19 को नहीं पता था। ये हाल है, ठीक है, कोई बुनियादी तरीन बात पूछे नहीं पता होती, ये एक आम माहौल है, और ऐसे ही अक्सर हम जानते हैं। और जो लोग जो लोग दीनदार होने का दावा रखते हैं वो भी दीन पे बस अपनी मर्जी से अमल करते हैं, आसान लगा तो मान लिया और नहीं आसान लगा, जहाँ मुश्किल आई छोड़ दिया, वह अपनी ख्वाहिश पे अमल कर लिया, है ना। ये यही सिलसिले चल रहे हैं, तो इसीलिए अल्लाह सुभान व तआला जो बात फरमा रहा है कि वलाकिन अक्सर الناس لا يعلمون, अक्सर लोग नहीं जानते अल्लाह को, दीन को ना जानते हैं और ना जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बात याद रखें, कुरान करीम से हमें पता चलता है, कुरान करीम के मुताले से और अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरतों को अगर पढ़ें उसके मुताले से, और भी कुरान ही उसकी सबसे बड़ी सोर्स है, कि अक्सरियत का कोई काम करना उसके सही होने की दलील नहीं है, वो उसके गलत होने की दलील तो हो सकता है, ठीक है, हकीकत यह है, लेकिन सही होने की यह कोई दलील नहीं। कुरान से पता चलता है कि अक्सरियत बिलअमूम गलत तरीके से चलती है। कुरान पाक में तो यहाँ तक भी है कि शैतान ने इंसानों से अपना ये गुमान सच पाया कि उनमें से अक्सर जहन्नम उसके पीछे लग जाएगी और जहन्नम में जाएगी, ठीक है, कुरान में आता है सूरह सबा में कि शैतान ने अपना ये गुमान सच पाया कि अक्सरियत ने उसकी पैरवी अख्तियार की, इल्ला फरीकम मिनल मोमिनीन, इल्ला मोमिनों में से एक फरीक के, जो लोग दूसरी जगह कुरान में आता है सूरह यूसुफ के आखिर में आता है कि अक्सर लोग दावा करते हैं अल्लाह को मानने का, लेकिन इल्ला वहुम मुशरिकून, साथ शिर्क भी करते हैं, मानते कहते हैं हम बड़े मानते हैं लेकिन साथ साथ शिर्क कर रहे होते हैं। ये कुरान करीम में सब आया, तो ये अल्लाह पाक हमें सबसे पहले हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुभान व तआला हमें दीन वाला बनाए, समझने वाला और उस पर अमल करने वाला और उसे आगे पहुँचाने वाला, ये सबसे अहम बात है। और ये वो ग्रोह है जिसको अल्लाह ने जन्नत के लिए मुंतखब करना है। ये जहाँ बनी इसराइल का तस्करा है तो अल्लाह फरमाता है कि उनके अंदर एक ग्रोह था, एक कलील ग्रोह था जो हक के मुताबिक फैसले करता है ना, वहाँ क्या लफ्ज़ आया उम्मतुन आया कि वो उनमें से एक, उम्मत कहते हैं जब आता है किसी बड़े ग्रोह में से, तो एक ग्रोह ऐसा था उनमें से एक सिलेक्ट था और वो थोड़े ही थे, बार बार आते हैं वो थोड़े ही थे। तो ये इस बात से कभी भी आप, क्यों मैं सारी बातें कर रहा हूँ, इस बात से कभी भी मायूस ना हो, इस बात से कभी भी मुतासर ना हो कि अक्सरियत क्या कर रही है। हक वो है जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बता दिया, सच वो है, अगर दुनिया मानती है वेरी गुड, नहीं मानती कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हक वो हक ही रहेगा चाहे सारी दुनिया माने चाहे ना माने, चाहे लोग उसके मुताबिक अमल करें, चाहे मेरे और आपके रस्म और रवाज उसके मुताबिक हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर, उससे हक तब्दील नहीं होता, याद रखें हक तो वही रहता है जो अल्लाह ने हुक्म किया, ठीक है, जो अल्लाह ने हुक्म किया है और जो अम्बिया ने, खसूसन हमारे लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, ये बात समझ लीजिए। ये उन बाज़ लोग कहते हैं कुरान में 134 मकामात ऐसे हैं जहाँ अल्लाह ने अक्सरियत के बारे में कहा है कि वो ठीक नहीं होती, ठीक है, ये उनमें से एक मकाम है कि अक्सर लोग अल्लाह के वादों से गाफिल हैं, वह जानते ही नहीं। आगे फरमाते हैं अल्लाह यालमून ज़ाहिरन मिनल हयातिद दुनिया, क्या जानते हैं अल्लाह को तो नहीं जानते, फिर क्या जानते क्या है, वो दुनिया की जिंदगी में से जाहिर को जानते हैं। मुफस्सिरीन ने लिखा है जाहिरन में जो तनवीन आई है ना, ये दो ज़बर जो आई है, ये तकलील के लिए आई है और तहकीर के लिए आई है, ठीक है, ये मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ये तकलील कहते हैं कि उसकी किल्लत जाहिर, ये बहुत कलील चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है, और तहकीर कहते हैं कि हकीर है, एक तो थोड़ी है, बहुत ही कम है, इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है खास असल में, और जो है वो भी हकीर है बिल्कुल। दुनिया का जो जाहिर है वो बहुत ही हकीर चीज़ है और बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ पे वो कनात कर गया,
جو آدمی ظاہر من الحیات دنیا پہ ہی زندگی گزار رہا ہے حقیقتاً وہ کیا کر رہا ہے, وہ بہت ہی حقیر اور چھوٹی بیکار بے فائدہ چیز پہ اس نے قناعت کر لی ہے, بڑی چیز کو چھوڑ دیا ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک فرماتا ہے والآخرت خیر و ابقا, آخرت بہت بہتر ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے, دنیا تو تھوڑے دن میں ختم ہونے والی ہے, کسی کے پاس رہی تو آج تک ہے نہیں. تو یہ پہلی بات یہ کہ یہاں اللہ پاک اس کو چھوٹا بھی بتا رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ حقیر سی چیز ہے. دیکھیں یہ ہمارے آبزرویشن جو ہم نے بات ابھی کی تھی, ہمارا عام معاشرہ ہمارے مسلمانوں میں کھانا پینا, کھانا اچھا ہو, پہننا اچھا ہو, گھر اچھا ہو, کیریئر اچھا ہو, یہ ہماری خواہشات ہیں, ہے نا, یہی ہمارے مشغولیات ہیں, اسی میں ہم پڑے ہیں بچپن سے لے کے جب سے ہوش سنبھالتے ہیں تب سے. میں ایک عام بات کر رہا ہوں, میں ظاہر ہے پرسنلی تو کسی کو بھی اس طرح بندہ جانتا ہے, لیکن اپنے ارد گرد تو ہم بے شمار لوگوں کو جانتے ہیں. یہ عام بات ہے کہ یہی ہماری فکریں, یہی ہماری مشغولیتیں, یہی ہمارا کام ہے, اسی کام میں پوری عمر گزارتے ہیں, ہے نا. اچھا, اگر آپ ان کھانا پینا, رہنا سہنا, پہننا اوڑھنا, یہ اس کو کہتے ہیں ایک لفظ میں کہیں گے اسٹینڈرڈ آف لیونگ, زندگی کا معیار زندگی یہ کہیں گے نا, ایک لمحے کے لیے اس کو اگر آپ کمپیئر کریں, تقابل کریں کس کے ساتھ, جو دنیا کا سب سے عقل مند اور سمجھدار انسان گزرا ہے اور سب سے اچھا انسان گزرا ہے اور سب سے آئیڈیل انسان, وہ سب ایک ہی ہیں, یہ ساری خصوصیات ایک ذات میں جمع ہیں, ان میں اور ان کے بعد ان کے شاگردوں میں, ایسے ہی. تو اگر آپ ان سے کمپیئر کریں تو بالکل کچھ اور پکچر ملتی ہے کہ نہیں, ڈائگنلی اپوزٹ, بالکل کچھ اور ہی ہے, وہاں یہ فکریں ہی کچھ اور ہیں, ہے نا, دیکھتے ہیں نا. تو اگر ایک بات یاد رکھیں, اگر دو چیزیں ایک دوسرے سے متضاد ہیں تو ایک ٹھیک ہوگی اور ایک دوسری ٹھیک نہیں ہوگی, ایسے ہی ہے. اچھا, اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین, اچھا ہم نہیں کہتے, ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں یہ بات کہتا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے بہترین نمونہ کون ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بار بار قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو ان سے کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کرو, میری پیروی اختیار. پھر کیا کہتا ہے, والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان, دوسرے رول ماڈل کون ہے ان کے بعد, صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین. تو انصار اور مہاجرین اور جنہوں نے اچھے طریقے سے, وتبعوهم باحسان, اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی, تو جو ان کی فکریں تھیں اور جو ان کی زندگی تھی وہ آئیڈیل ہے, اور جو ان سے جتنا دور ہے وہ آئیڈیل سے اتنا دور ہے, سیدھی بات ہے. وہ اچھے تھے اور ہم جتنے ان سے دور ہیں اتنے کم اچھے ہیں, یہ کہنے میں کوئی مبالغہ تو نہیں میں نے کیا, کوئی غلط بات تو نہیں کی, نعوذ باللہ, کوئی شدت پسندی کا مظاہرہ تو نہیں کیا, سیدھی سی بات ہے. اگر ہم کہتے ہیں وہ آئیڈیلز ہیں تو جتنا ہم ان آئیڈیل سے دور ہیں اتنا ہم کم ہیں. اچھا, میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارا کچھ اٹھا کے پھینک دیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی فکر کریں. سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ اس کی فکر کریں کہ کچھ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں. کبھی بھی آپ اچانک تبدیلی نہیں لا سکتی, یہ مشکل کام ہے. سارا کچھ اٹھا کے گھر سے نکال دیں گے تو پرسوں واپس لانا پڑے گا. کوشش کریں, ہاں ایسے ہی ہے, کوشش کریں کہ اپنے رہن سہن میں, اپنے سب چیزوں میں, کھانے پینے, پہننے اوڑھنے میں کچھ نہ کچھ تبدیلی اس سمت میں لانا شروع کریں, جو آہستہ آہستہ کام اور تھوڑا تھوڑا کیا جائے اس میں وہ پائیدار ہوتا ہے. سب سے پہلے اس میں بھی ضروری ہے کہ اپنی فکر کو تبدیل کریں, سوچیں اپنے بارے میں, سوچیں میں کیا کر رہا ہوں, میری فکریں کیا ہیں. اچھا, یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں, اگلی آیت یہی کہہ رہی ہے, وہ ہم پڑھتے ہیں ابھی اگر ٹائم ملا, یا اگلی دفعہ پڑھیں گے. لیکن اللہ فرماتا ہے, اچھا, یا لمونا ظاہر حیات دنیا, اللہ یہ بتا رہا ہے کہ حقیقت سے انسان غافل ہے. انسان کو دنیا میں کسی مقصد سے بھیجا گیا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کسی عام سڑک پہ چلتے ہوئے کسی ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں, ڈاکٹر بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بڑے لائف فائر ہیں, پڑھے لکھے ہیں, آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں, رک جا بھائی ادھر بیٹھ, دو منٹ رک جا, یہ بتا تیری زندگی کا مقصد کیا ہے, 99% وہ حیران ہو جائے گا کہ زندگی کا کوئی مقصد بھی ہوتا ہے, ایسے ہی ہے نا. 99% لوگ, ڈاکٹرز پڑھے لکھے,
बहुत तीर मारेगा तो कहेगा जी दुखी इंसानियत की खिदमत करना, क्योंकि अब ये आउट ऑफ फैशन हो गया वैसे, पहले तो था बहुत लेकिन अब ये भी चला गया, ये भी एक फकरा ही था, उसमें करता कोई नहीं था, ऐसे ही था। तो किसी को नहीं बताया कि भाई मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। किसी मैनेजमेंट के बंदे से पूछेंगे, उससे पूछेंगे तेरी ऑर्गेनाइजेशन की मिशन स्टेटमेंट क्या है, वो आपको बताएगा। ऐसे ही है ना, मैनेजमेंट में बहुत चलती है। अच्छा विजन स्टेटमेंट क्या है, वो उससे भी आगे बताएगा। तेरी अपनी क्या है जिंदगी की, नो आइडिया। ये तो आपको बताना चाहिए ना, आप किस चीज, आपका अपना विजन स्टेटमेंट क्या। एक चीज होती है विजन स्टेटमेंट, वो होता है आपका अल्टीमेट गोल, आखिरी आपका हदफ कि मैंने ये यहाँ पहुँचना है बिल आखिर। और एक होता है मिशन स्टेटमेंट कि मैंने वहाँ किस तरह पहुँचना है, ये कदम उठाऊंगा। तो अक्सर लोगों ने की जिंदगी में कोई है ना विजन है ना मिशन है, बस क्या है, खाओ पियो पहनो ओढ़ो बच्चे पालो उनको खिलाओ पिलाओ पहनाओ ओढ़ाओ उनके कैरियर बनाओ अपना कैरियर, और वन फाइन डे जल्द या बदेर, कभी जल्दी आ जाती है कभी देर में अचानक मौत आ जाती है। तो ये इसको अल्लाह पाक बता रहा है कि ये है ज़ाहिरम मिनल हयात दुनिया, ये इसकी एक तफसीर है। ये कोई इस इन मायनों में जो शख्स इस तरह ज़िंदगी गुजारता है हकीकतन वो चौपायों से वो बहुत बेहतर नहीं है, इसलिए ये अल्लाह पाक फरमाता भी है ना कि उलाइका कल अनआम बल हम अदल, वो तो चौपायों की तरह है बेचारे बल्कि उनसे भी ज़्यादा ही। अगर ये हमारे ज़िंदगी के मकासद हैं, अल्लाह पाक ना करे हम में से किसी का भी ना हो, इंशाल्लाह नहीं होंगे, लेकिन एक आम बात तो यही है, ये कॉमन बात कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हमें सोच गौर फिक्र हमारे अंदर आना चाहिए कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा समझदार आदमी वो है जो अपना एहतसाब करता रहता है। अगर अपना एहतसाब हम नहीं करेंगे एक दिन हमारा एहतसाब तो होना है, खुद ही कर लो। ठीक है, क्या है हदीस है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कॉल है कि भाई अपना हिसाब खुद कर लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब किया जाए, हिसाब तो होना है। जो खुद करेगा वो ठीक हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। पहली बात ये पहली बात है कि हमें अपने मकसद से गाफिल नहीं होना चाहिए। अच्छा अगर मैं कहूँ कि हमारा मकसद, मैं आपके सामने एक मकसद रखता हूँ, हमारा मकसद ये है, हमारा विजन स्टेटमेंट ये हमारा आखिरी और अल्टीमेट हदफ है। मैं अगर मैं समझता हूँ, अल्लाह करे ये हो, अल्लाह इसको बना दे, वो ये है कि हम अपने रब के पसंदीदा बंदे बन जाए। ये ठीक है, अब है ना कुछ तो थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए ना, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं अपने रब का पसंदीदा बंदा बन जाऊँ, ऐसा ही है। और ये कि हाँ भाई जिनसे हम मोहब्बत का दावा करते हैं उनका हमें साथ नसीब हो जाए, है ना, नबी खुद अल्लाह का की मैयत नसीब हो, खुद अल्लाह सुभानहू व तआला जन्नतियों के साथ सेशन मीटिंग उसकी अल्लाह ताला की एक दावत हुआ करेगी, है ना, हदीस में आता है, बड़ी तफसीर आती है कि अल्लाह ताला भी उनके साथ शरीक होगा और वो मुख्तलिफ मरातिब में बैठे होंगे सब वहाँ पर, और अल्लाह ताला उनसे फर्दन फर्दन गुफ्तगू को फरमाएगा, याद भी कराएगा तूने ये किया था और तूने ये किया, है ना, ये भी होगा, बड़ी गपशप होगा, बड़ा माहौल होगा एक। अल्लाह पाक हमें उसमें शामिल फरमाए, सबसे पहले तो हमारा आमीन या रब्बुल आलमीन, है ना, हम उसमें से अल्लाह करें हों उनमें से बेहतरीन हों इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले अल्लाह का की मैयत, अल्लाह का क़ुरब नसीब हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नसीब हो, अंबिया और सहाबा और सुलहा का साथ हमें नसीब हो, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। इस टारगेट से हमें गाफिल कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जिसको ये मिल गया उसका कोई लॉस नहीं हुआ, चाहे दुनिया में वो बदतरीन दर्जे में रहा, और जिसको ये नहीं मिला और वो दूसरी जगह चला गया उसको कुछ नहीं मिला, चाहे वो अमरीका छोड़ पूरी दुनिया का बादशाह बन गया उसको कुछ नहीं मिला, है ना, वो जीरो रहा, जीरो बटा से भी बहुत माइनस में चला गया ना, वो तो नौज़ुबिल्लाह अज़ाब में चला गया। पहली बात ये हमारा क्या है, विजन है, ये हमारा आखिरी टारगेट है, हमें इससे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमें पता हो भाई ये हमारा टारगेट, अब हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, समझ आ गई, अगर हमने वहाँ पहुँचना है ये हमारा अल्टीमेट गोल है। पहली बात मिशन स्टेटमेंट क्या है, हम चाहते हैं कि हम गाफिल ना हो, ये इसलिए करें। मिशन स्टेटमेंट क्या है, कैसे करेंगे, हाउ टू डू इट, मिशन कहते हैं स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे करें, वो बहुत आसान। अच्छा ये इनमें से कोई चीज़ मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात है जो मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, ये वही बातें जो अल्लाह रसूल ने हमें सिखाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि हकीकत को जानते हैं, जो हकीकत का खालिक है और जो उनके अल्लाह के नुमाइंदे हैं। तो उसका तरीका यह है कि अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म पर अमल करेंगे और रसूल की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस हद तक मुमकिन होगा पूरी कोशिश करेंगे सुन्नत को लाने की।
है ना, सादा सी चीज है, बस पता होनी चाहिए। तो अब हमें, हम में से हर शख्स को वाजे है कि मेरी जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है। ये गोल जो आपका हदफ है कभी निकाह से ओझल नहीं होना चाहिए, उस पर कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, वो करेंगे तो मारे जाएंगे, दोनों जहान का नुकसान हो जाएगा। अच्छा, और तरीका क्या है? ये तरीका है किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जो ये करेगा वो हरगिज़ ये ना सोचे कि दुनिया में वो नाकाम हो जाएगा, ठीक है, जो ये कभी ऐसा नहीं होगा। दुनिया कौन चला रहा है? कुरान में अल्लाह पाक फरमाता है युदब्बिरुल अम्र, अम्र की तदबीर कौन कर रहा है? अल्लाह कर रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इंसानों के दिल जो है वो अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। दिलों को आपकी तरफ मोड़ने वाला कौन है? असबाब में हमने पहले बात की थी, असबाब किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। तो जो अल्लाह का फरमाबरदार होगा अव्वल तो दुनिया में भी अल्लाह उसको नुकसान नहीं देगा, फिर अल्लाह ये बताता है कि अव्वल तो उनको दुनिया में भी अल्लाह कामयाब करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत फरमाया करते थे और आपको दिन रात गालियाँ सुनने को मिलती थी और लोग बददुआएं देते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुल के बददुआएं देते थे, इसने बीवी को शौहर से और बाप को बेटे से काट दिया है और बुरे बुरे अल्फाज कहते थे और बहुत कुछ कहते थे, है ना। तो उस जमाने में भी अल्लाह के रसूल फरमाते थे कि ईमान ले आओ अल्लाह तुम्हें रोम और ईरान फतह कर देगा, ठीक है, अरब और अजम तुम्हारे मुती हो जाएंगे। शुरू से अल्लाह के रसूल ये वादा फरमाते थे, वो कहते थे भाई तेरे पे चार बंदा तुझे मानता नहीं है और तू कहता है कि ये हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ने दिखाया कि बिलाखिर ऐसा हो कर, है ना। जब नबी हत्ता के गज़वा खंदक में जब जान हलक में, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जान हलक में आ गई थी और मोमिन बुरी तरह हिला दिए गए थे, मोमिनीन भी हिला दिए गए थे, है ना, क्या है? ज़ुलज़िलु ज़िलज़ाला, बुरी तरह हिला, हाँ ज़ुलज़िलु, हाँ ज़िलज़ालन शदीदा, बहुत बुरी तरह हिला दिए गए थे। जब वाकई बुरा हाल, आखिरी जैसे कहते हैं ना रॉक बॉटम पे हाल पहुंचा हुआ था, बिल्कुल नीचे उम्मीद थी कि बस अब सारे मारे जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा, 60,000 या 24,000 जितने भी अरब का लश्कर था वो मदीना मुनव्वरा को अनकरीब ख़त्म करने वाले थे। और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चट्टान पे जब कुदाल मारी और कहा रोम के महल्लात और ईरान के महल्लात और यमन के महल्लात, तीन दफ़ा आपने मारी और कहा कि वो मेरे लिए मफ्तू कर दिए गए, तो मुनाफिकीन ने खूब बातें बनाई और यहूद ने कि देखो ये चंद दिन में इसकी मौत आने वाली, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, और ये वादे कर रहा है रोम ईरान और यमन के महल्लात के, अल्लाह ने एक एक चीज़ दिखाई उसमें, है ना। तो अल्लाह पाक जो है कुरान में कहता है फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो अल्लाह को मानेगा, हम दुनिया में भी उसको अच्छी ज़िंदगी गुजरवाएंगे, ये समझ लें। तो हम आज ये बात इसको अच्छी तरह समझ गए हैं कि अगर हम अल्लाह रसूल की इताअत करेंगे तो हमारी दुनिया भी संवर जाएगी। एक मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, आपकी औलाद सबसे कीमती चीज़ औलाद होती है, मेरा ही ख्याल है, अल्लाह आलम, है ना, सबसे कीमती चीज़ औलाद ही होती है, अपने दुनियावी मताअ जितने भी। अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं अलमालु वलबनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, माल और जो औलाद है ये दुनिया की ज़िंदगी की जीनत है, बिलाशुबा है। अगर किसी कोई बड़े से बड़ा दौलतमंद शख्स, एक शख्स है उसका नाम है एलन मस्क, बड़ा बिलियनर है, दुनिया के सबसे बड़े 5-6 में से मेरा ख्याल है ना, 40 फर्स्ट हो गया अब, ओह पहले 5-6 में था, मैंने थोड़ा सा पुराना हो गया मैं करेक्ट नहीं। उसकी बेटी ने अपना कोर्ट में दावा करके अपना नाम चेंज कर लिया है कि मुझे इस मनहूस शख्स के नाम से ना पुकारा जाए और मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है और मेरा सरनेम चेंज कर दिया जाए। तुम्हारे सारे बिलियंस का क्या फ़ायदा है अगर तेरी अपनी बेटी ने तेरे साथ ये मामला किया है? आज तसव्वुर करें आपकी औलाद आपकी नाफरमान हो, इसको आप औलाद की फरमाबरदारी को, अच्छी औलाद हो, फरमाबरदार हो, अच्छे हों, नेक हों, वो भी आपकी तरह साथ, आप और वो मिलके जन्नत में जाने वाले हों, जो हमारा अल्टीमेट हदफ है, ये चीज़ पैसों से खरीद सकते हैं? पैसे वालों ने मैं बता भी तो आपको मैं मिसाल दी है ना, तसव्वुर करें। अच्छा, उसके अपने बाप के बारे में, अब पता नहीं 35 साल से अपने बाप को नहीं मिला, उसके बारे में कल परसों मैंने 2-4 हफ्ते पहले पढ़ा, उसको उन्होंने कहा ऐसा दुनिया में ऐसा बुरा आदमी कोई नहीं, वो खुद अपने बाप के बारे में उसकी ये जिस बात है और उसकी बेटी की उसके बारे में ये जिस बात, वट इज़ दिस, क्या कमाया है, वट इज़ दिस, उस बिलियंस को लेकर कहाँ जाएगा? 2-4 रोटियाँ खाता होगा तो 2-3 कपड़े पहन, एक वक्त में 2 कपड़े पहनता होगा यार, मतलब कितने पहनता होगा, है ना, सारे तो नहीं पहन सकता, तो इसका क्या फ़ायदा, इस सारी दौलत का क्या फ़ायदा है? थोड़े दिन बाद अगर इसी पर रहा, अल्लाह जानता है, अगर इसी पर मौत हुई तो नऊज़ु बिल्लाह जहन्नम का ईंधन बनना है, ये तो कोई तीर नहीं मारा ना, ये तो कोई हकीकत तो कुछ नहीं हासिल किया, नऊज़ु बिल्लाह सरीहन नुकसान कमाया, अपना भी, बाप माँ बाप का भी और औलाद का, वॉट इज़ दिस, दिस इज़ नॉट सक्सेस। हाउ कैन
कैसे इंसान इस सक्सेस से मुतासर हो सकता है कि पैसे वाला है? हो ही नहीं सकता. एक्चुअली उसने कुछ नहीं कमाया है ना, वो बैंक में उसका पैसा रखा है, बस उससे वो देख देख के खुश हो सकता है, उससे वो है बिल्कुल. ये तो अल्लाह पाक दिखा रहा है कि अल्लाह का वादा सच्चा है, ये असल बात है. अल्लाह का वादा सच्चा है, जाहिर पे मत मरो, जाहिर पे मत जाओ. ये पहली बात है. टाइम है हमारे पास, टाइम है अभी. इसी आयत की एक तफसीर और भी है, वो तकरीबन यही है. वो कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं जी कुफार ने तो हैरत अंगेज तरक्की की है, ठीक है, चांद पे चले गए हैं. और वाकई की है, यानी मुख्तलिफ सैयारों पे उन्होंने प्रोब्स भेजी हैं, माशाल्लाह, बड़ी बात है. यानी एक मिटियोर था, एक चट्टान है, तीन चार मील बड़ी, तीन चार मील कुछ भी नहीं होते है ना, वो हमारे सोलर सिस्टम में लाखों मील की रफ्तार से गर्दिश कर रही है, ठीक है. उस चट्टान पे इंसान, और हमारे यहाँ से करोड़ों मील दूर है, पता नहीं कितने सौ मिलियन दूर माइल्स, हमने उस पे प्रोब भेजी है इंसान ने, जो उसने जाके उस पे लैंड किया, यानी एक खलाई सैयारा भेजा है जो उस लाखों मील की दूर, करोड़ों मील दूर, हजारों मील की फी घंटे की रफ्तार से उड़ती हुई वो चट्टान, और तीन चार मील की चट्टान है, ये भी नहीं कोई बड़ा सैयारा है, उस पे जाके प्रोब लैंड की है हमने इंसानों ने, और उससे सैंपलिंग की है और उसका सारा तजिया किया, ठीक है. उसका मैं आपको नाम भी बता दूंगा, ये भी रिसेंटली आप सर्च करें, ये पिछले दो साल पहले हुआ. कमाल है, यानी कि आप तसव्वुर करें, ये बड़ी महारत है ना. अच्छा, इंसान की खून की नाली बंद होती है घंटे के अंदर, हार्ट की, एक घंटे में उसको खोल देते हैं, ऐसे होता है. प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं आपके अस्पताल में, करते हैं, बड़ी बात है, बड़ी तरक्की है. अमेरिका का वन ऑफ द फॉरमोस्ट जो एंजियोप्लास्टी का शख्स था, वो अमेरिका में होता है, कश्मीरी था वो, असल में वो कश्मीरी था, उसका नाम मैं नहीं लेता, बहरहाल वो एक कश्मीरी था. ये भी बड़ी ज़रूरत रखती है. अच्छा, वो जो फॉरमोस्ट ये कुफार की तहजीब का एक नमूना आपके सामने रख रहा हूँ. एंजियोप्लास्टी दुनिया का सबसे बड़ा माहिर था, उसका वो नाम भी कश्मीरी समझिंग था, और दिन रात कई एंजियोप्लास्टियाँ करता था, और हज़ारों लोगों की जाने बजाता था, और बीवी को तलाक हुई भी थी, और बच्चे कोई पता नहीं बच्चे कहाँ है, ये काम चल रहा था. तो बैलेंस उस जिंदगी में नहीं था कोई ना, क्या किया. ये इसी किस्म की उनकी तहजीब है. सबसे बढ़कर खुदकुशियाँ कहाँ हैं? वेस्ट में. सबसे बढ़कर तरक्की कहाँ है? वेस्ट में. सबसे बढ़कर एंटी डिप्रेसेंट्स कौन लेते हैं? फार लेते हैं. सहाबा ने तो कभी एंटी डिप्रेसेंट नहीं खाए, ठीक है. उनके बच्चे भी शहीद होते थे, बाप भी शहीद हो गया, भाई भी शहीद हो गया, बीवी जो औरत बेचारी बेवा हो गई, खाने को कई कई दिन नहीं मिला, पेट पे पत्थर बांधे हुए. कभी उन्होंने सोचा, किसी ने सुना है कि सहाबा को डिप्रेशन हुआ हो, या किसी सहाबी ने कभी खुदकुशी की हो? नऊज़ बिल्ला. सबर से बाहर है. मोमिन तो कभी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होता. खुदकुशी इंसान तब करता है, एंटी डिप्रेशन तब खाता है जब वो मायूस हो जाता है. जब एक बार बात कर रहा हूँ, तो ये अल्लाह हमें इसमें बचाए इस बातों से, लेकिन ये बात सच है कि सहाबा तो नहीं करते थे ये काम, है ना. खुदकुशियाँ, तलाकें सबसे बढ़कर कहाँ हैं? वेस्ट में. बे इंतहा जो जो जिंदगी वेस्टर्नाइज होती जाती है, सऊदी अरेबिया वेस्टर्नाइज हो गया है, यहाँ तलाक का रेशो आसमान पे चला, ऐसे हुआ है ना. तो जहाँ जहाँ हुई है, वहाँ वहाँ से आप देखते हैं कि तलाकें खूब, किसी को नहीं पता भी ये औलाद मेरी है कि किसी और की है, क्या किस्सा है. अता के उन्होंने अब ये किया है वेस्ट में कि बाप का नाम का खाना ही निकाल दिया. ऐसा है कि नहीं? सच है कि नहीं? बिल्कुल सच है कि वहाँ बाप के नाम का खाना नहीं, ठीक है, जो मर्जी बस माँ का लिखवा दो, जो मर्जी लिखवा दो, ऐसा ही है. तो ये बेशुमार मिसालें दुनिया में. अच्छा, जुल्म का ये हाल है, उनके मुआशरे आम तौर पर समझे जाते हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन हकीकत के खिलाफ ये बात. जुल्म का ये आलम है कि बीबीसी में स्टडी आई थी कि पूरी दुनिया का जो 98% वसायल है, वो 1% इंसानों के कब्जे में, और उनके और गरीबों के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है. वो जो 99% है वो और बढ़ जाएगा, और वो 1% है वो और कम हो जाएगा. ये हाल है, ठीक है. और दुनिया के अजीम हिस्से को साफ पानी पीने को मैसर नहीं है ना. बहुत ही इसकी बहुत बेशुमार मसाले हैं. उनकी तरक्की को तरक्की है नहीं, असल में नहीं. अल्लाह पाक ये कहता है कि तुम उनकी तरक्की को ऐसे परेशानी से ना देखो. जो उनकी चलत फिरत है, जो उनके फायदे दुनिया में, उन्होंने हैरत अंगेज काम किए हैं, पहले भी किए थे. पढ़े रोमन्स का आप पढ़ें, अगर आप
इजिप्शियंस की तरक्की देखें, इतने जबरदस्त अहराम बनाए थे कि आज भी इंसान मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो अहराम नहीं बना सकता। फिर उसके अंदर जो राज है वो तो अजीब व गरीब है, जिस तरह उन्होंने उसको पूरी जमीन के साथ अलाइन किया हुआ है, जमीन के मुख्तलिफ मकामात के साथ और सितारों के साथ। उनका इल्म ऐसा था बाज चीजों में जो हम उसको आज भी मैच नहीं कर सकते। लोग हैरान हैं जो अहराम मिस्र में बने हुए और जो अहराम साउथ अमेरिका में बने हुए। साउथ अमेरिका में भी अहराम है, किसी को बाज लोगों को शायद ना बताओ ये बात। साउथ अमेरिका में जो एजटेक और मायन और ये मुख्तलिफ जो तहजीबें हैं उनके भी अहराम हैं, और मिस्रों के मिस्र के अहराम और उनके अहराम एक स्ट्रेट लाइन में अलाइन है। आप जाके पढ़ लें ये बात, ठीक है, ढूंढ लें। अजीब व गरीब है उस चीज़ है वो, उनकी अजीब साइज है। आप बना सकते हैं ऐसी बिल्डिंग हजारों मील दूर उससे साथ एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, सीधे उसमें एक लैटिट्यूड है, बिल्कुल एक लाइन में सबके सब आ रहे हैं, और वो असल में सूरज के साथ अलाइन है। इतने वो माहिर थे, और जिस तरह वो ममीज को महफूज करते थे आज तक कोई कर सका है ना। तो ये तरक्कियाँ उन्होंने तरह तरह की हैं। रोमियों ने बड़ी तरक्की की थी, वो मैं उसकी तफसीलात में नहीं जाता, टाइम नहीं है, ख़त्म होने वाला है। लेकिन ये चीज़ें असल नहीं हैं, इसलिए आपको दुनिया में नहीं भेजा गया। दुनिया में मादी तरक्की करने के लिए नहीं भेजा गया, ये बात समझ लें। अंबिया ने कोई बड़ी इमारत, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या जो उससे भी बड़े ट्विन टावर्स, कोई नहीं छोड़ा। अंबिया ने क्या छोड़े हैं? टोटल दो इमारतें हैं, है ना। एक बिल्कुल वो स्क्वायर है छोटा सा, जिससे कि ज़्यादा सादा दुनिया में इमारत हो नहीं सकती, है ना। चार दीवारें सिंपली ऐसी है ना, और दूसरी एक उन्होंने मस्जिद अक्सा छोड़ी है। इसके अलावा अंबिया की बनाई हुई कोई इमारत कोई है किसी के लिए? हाँ, एक मस्जिद कुबा है, मस्जिद कुबा। इसके अलावा तो कोई तीसरी इमारत नहीं है, कोई चौथी इमारत है हमारे इल्म में तो नहीं। ऐसे ही है ना, अंबिया ने टोटल तीन इमारतें छोड़ी हैं, और वो सबके सब बिल्कुल सादे अल्लाह की इबादत के घर हैं। तो इंसान को अल्लाह ने इसलिए नहीं भेजा कि वो खूब तरक्की करे, दुनिया में आला से आला हथियार बनाए, ये और साइंस में चांद पे चला जाए और पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाए, और ज़मीन पर रहना उसको आया नहीं है, ज़मीन पर रहना आया नहीं है और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ये इन चीज़ों के लिए अल्लाह ने नहीं बनाया, किसी और मकसद से बनाया। उस मकसद को अगर नहीं पहचानते तो आप गाफिल हैं, अगर उसको पहचानते हैं तो आप ठीक हैं। ये फ़र्क है, ये बात है, ठीक है।